नमस्कार दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में मोबाइल के जरिए किस तरह से इंटरनेट को कनेक्ट करके किस तरह से अपने लैपटॉप पे चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उस मोबाइल पर इंटरनेट होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। इसमें देखिए, सबसे ऊपर आपको सेटिंग पे जाना है। आपका सेटिंग कहीं भी रह सकता है, लेकिन हम इसको ऊपर से हम सेटिंग पे जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर मोर सेटिंग लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ, मोर पे आपको जाना है। उसके बाद थेटरिंग एंड पोर्टेबल हॉट स्पॉट, यहाँ पर आपको देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर वाईफाई हॉट स्पॉट सेटिंग देखिए यहाँ पर है, वाईफाई हॉट स्पॉट सेटिंग, इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए सेटअप वाईफाई हॉट स्पॉट है लिखा हुआ, सेटअप वाईफाई हॉट स्पॉट, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर आपको नाम लिखने के लिए आया है, तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, यही नाम रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखिए, आपको पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। अगर आपको नन करना है, आपको पासवर्ड नहीं बनाना है, तो आपको देखिए यहाँ पर नन का ऑप्शन है, तो आप नन कर दीजिएगा, तो आपका कोई भी कनेक्ट कर लेगा। जैसे ही आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, तो आपको सभी कोई कनेक्ट करके यूज करने लगेंगे। अगर आपको पासवर्ड लगा के रखना है, तो उसके लिए देखिए WPASK यहाँ लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड को देखने के लिए यहाँ पर नीचे शो पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, पासवर्ड आपको दिखा रहा है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड नहीं दिखा रहा, फिर यहाँ क्लिक करने से पासवर्ड दिखाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसमें। आपको पासवर्ड अगर चेंज करना है, तो यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को, यहाँ से मिटा के। अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कैंसिल कर दें। जब आप पूरा तरह से सेट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ऑन कर दिया हॉट स्पॉट, तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए कोना में इसका लोगो आ गया कि ऑन है। तो हम चलिए इसको लैपटॉप पर कनेक्ट करते हैं। देखिए, लैपटॉप में सबसे नीचे आपको देखना है, सबसे नीचे यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे नीचे यहाँ देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नेटवर्क बना हुआ है, नो कनेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्लिक कर देते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो मोबाइल पे था लिखा हुआ हॉटस्पॉट का नाम, देखिए ADYS, तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो कनेक्ट में हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांगा जा रहा था, आपको जो पासवर्ड था आपको मोबाइल में हम दिखाए थे। चलिए, हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं मोबाइल में, यहाँ पर आपको पासवर्ड कितना था आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 100 पासवर्ड में हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर पासवर्ड दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है पासवर्ड। तो आप इसको यहाँ पर कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में डाल सकते हो पासवर्ड को। तो चलिए, हम यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो चलिए,
देखिए यहाँ से हाइड हो जाएगी, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से मेरा नेट कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम कुछ भी चला सकते हैं। अब यहाँ पर हम खोलते हैं यूसी ब्राउजर। देखिए इस तरह से आपका यूसी ब्राउजर खुल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो यहाँ पर आप यूट्यूब चला सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका कंप्यूटर में नेट चलने लगेगा। देखिए आप यहाँ पर आसानी से नेट चला सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल में कुछ सर्च भी करना है तो कुछ ही सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई पिक्चर सर्च करना है तो यहाँ पर हम सर्च कर में लिख देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर नेट कनेक्ट नहीं करना जानते हैं मोबाइल से लैपटॉप को, तो इसी तरह से आप नेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको आपको कैंसिल भी करना होगा तो यहाँ से जाके आपको कनेक्ट को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में किस तरह से एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको नेट द्वारा एक्टिवेट करना है। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। और अगला वीडियो देखने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला वीडियो देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं, चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक यू।